हेलो एंड वेलकम बैक अगेन दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों जियो की तरफ से दो बहुत जबरदस्त खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग 5G का वेट कर रहे हैं इंडिया में, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 5G का फोन जो कि जियो की तरफ से आ रहा है, जो सबसे सस्ते हैं, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जियो 5G के साथ साथ यहाँ पे जियो 5G का फोन भी आपको मिलने जा रहा है, जो कि दोस्तों मात्र 2000 के अप्रोक्स होने वाला है। तो दोस्तों इन दोनों खुशखबरी को सुनने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। दोस्तों वर्ल्ड वाइड में बता दूं कि टोटल 61 ऐसी देश हैं, जी हाँ दोस्तों 61 कंट्रीज में 5G चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन इंडिया में लोग 4G ही चला के खुशी मना रहे हैं। और कितना सारे लोगों का मानना है कि यदि इंडिया में 5G आएंगे तो डेटा प्राइस बढ़ेंगे। तो भाई आप लोग वो 61 कंट्री जो हमसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड में अपना इंटरनेट चला रही है, अपना मोबाइल चला रही है, उन लोगों को भी तो पैसा पे करने होंगे। और आप लोग कब तक 4G का जो है ये घिसी पिटी इंटरनेट स्पीड चलाओगे, तो 5G पे आप लोग भी स्विच होने के लिए यहाँ पे अग्रसर हो, ताकि हमारा भी देश कुछ डेवलप कर सके। क्योंकि 5G यदि इंडिया में दोस्तों आएगा तो यहाँ पे सिर्फ डेटा स्पीड ही नहीं बढ़ेगी, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे चीज़ जो है वो स्मार्ट हो जाएंगे। जैसे आपके घर से लेके आपके जितने भी ज़रूरत के सामान हैं, जितने भी ज़रूरत के काम हैं, वो यहाँ पे 5G से कनेक्ट होके काफ़ी फास्ट में हम लोगों का दैनिक कार्य भी काफ़ी आसानी होगा। और वहीं पर जहाँ तक डेटा स्पीड की बात है, तो वो भी कई गुना ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, जो कि आपको GBPS में स्पीड मिलेगा। जो अभी आपको 4 Mbps, 2 Mbps, 10 Mbps मिलती है, वो आपको 1 Gbps, 2 Gbps, 3 Gbps, 100 Gbps की स्पीड में आपको इंटरनेट मिलेंगी। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक्स, जो कि यहाँ पे 5G ट्रायल के लिए सभी कंपनी को मान्यता दे दी है, वकायदा चाइनीज कंपनी को छोड़ के, जिसमें कि दो प्रमुख कंपनी थी ZTE और Huawei। इन दोनों कंपनी को यहाँ पे जो है 5G में यहाँ पे इंडिया में जो है वो नहीं आने दिया है। इसके अलावा जो भी सोनी है, इरिक्सन है, नोकिया है, जो भी और भी विदेशी कंपनी को आने दिया है, साथ ही इंडियन कंपनी है। और यहाँ पे दोस्तों प्रमुख कंपनी जो आपको 5G सेवा देगी वो है जियो, टाटा, एयरटेल, और यहाँ पे VI भी इस क्षेत्र में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जियो की तरफ से क्या खुशखबरी है, तो जियो दोस्तों यहाँ पे अपना एनुअल जनरल मीटिंग में यहाँ पे जियो का लैपटॉप, जी हाँ दोस्तों जियो का लैपटॉप के साथ साथ जियो का 5G स्पेसिफिकेशन वाला फोन भी आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों इसी महीना या फिर इस महीना के अंत तक में आपको जियो का 5G फोन के बारे में फुल डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी जो भी डिटेल्स मिलेंगे वो जियो के तरफ से ऑफिशियली नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे प्राइस बताऊं कि जियो 5G फोन का प्राइस क्या होने वाला है, तो वो आप लोग जान लो। जियो 5G फोन का प्राइस जो है वो आपको दोस्तों बिलो टू 3000, जी हाँ दोस्तों 3000 के अंदर ही होने वाला है, जो कि काफ़ी आकर्षक है। लेकिन यहाँ पे जियो का ही सिम उसमें सपोर्ट करेगा, इसीलिए आपको प्राइस जो है काफ़ी कम रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अनुमान के मुताबिक कुछ पैसा इधर या उधर हो सकता है, लेकिन जियो 5G फीचर फोन में दोस्तों आपको जियो 5G स्मार्टफोन होने वाला है, फीचर फोन नहीं होने वाला है। ये जल्द ही यहाँ पे बनने जा रहा है, जो कि दोस्तों जियो जो है इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। दोस्तों आपको आज का अपडेट कैसा लगा, प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।